हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th, चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पार्ट 11। अपन 10th क्लास के उसी चैप्टर नंबर 5 का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी के पार्ट 11 में आज अपन ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 9th किया आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। एक्सरसाइज कौन सी आपकी है? एक्सरसाइज नंबर है 5.3। कौन सी एक्सरसाइज है? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ के देखो आप, क्या है? ए सम ऑफ रुपए 280 इज टू बी यूज्ड टू गिव फोर प्राइस। इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ ₹280 इज द यूज्ड टू गिव फोर प्राइस। वो ये बोल रहा है कि कोई ₹280 इनाम के लिए रखे गए हैं, उन ₹280 से चार इनाम वितरित किए जाते हैं। फोर प्राइस, चार इन गिव्स फोर प्राइस, चार इनाम दिए जाते हैं। किस हिसाब से? इफ ईच प्राइस मतलब प्रत्येक इनाम, प्रत्येक पुरस्कार राशि, इनाम बोल सकते हो, पुरस्कार राशि भी बोल सकते हो। ईच प्राइस प्रत्येक पुरस्कार इज है 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग। 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग का मतलब क्या हुआ? जो इनाम जिस व्यक्ति को मिल गया उससे ₹20 कम है, अपने पहले से ₹20 कम है। सपोज दैट अगर किसी को इनाम ₹50 मिल चुका है, किसी एक आदमी को, तो उससे जब अगले आदमी को जो बाद में जिसको इनाम मिलेगा तो 50 में से ₹20 कम मिलेगा। 20 लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइस मतलब पूर्व के इनाम से, पूर्व के प्रकार, पूर्व में जो पहले अपने को पुरस्कार दिया गया उससे ₹20 कम मिलेगा, तो 30 मिलेगा। अब अगर 30 से आगे भी बांटना है तो अगले को कितना मिलेगा? फिर 20 कम हो जाएगा, 10 मिलेगा। समझ में आ गया होगा केस? तो आपको वो उन पुरस्कार की क्या बतानी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, उन प्रत्येक पुरस्कार की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। समझ में आ गया? तो आप लिखोगे लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट द फर्स्ट प्राइज इज इक्वल्स टू ए, मान लो अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं तो इसको क्या मान लें? ए। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा आपका? ए। अब कितना कम बता रहा है वो? 20 लेस देन, हमने यहाँ पे समझाया था जिसको ए मिल चुका तो उससे आगे वाले को कितना मिलेगा? ए माइनस 20। क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, 20 लेस देन इस इट्स प्रिसीडिंग प्राइस मतलब अपने से पूर्व से ₹20 कम। तो थर्ड को कितना मिलेगा फिर आपको इस हिसाब से? ए माइनस 20, इसमें से 20 माइनस होगा तो ये कितना बन जाएगा? ए माइनस 40। ऐसे फोर्थ वाले को क्या मिलेगा आपके? ए माइनस 40, इसमें से 20 कम होगा माइनस के 20, तो फोर्थ वाले को मिल जाएगा ए माइनस 60। समझ में आ गया? अब आप ये नहीं कहना कि ये भी ये नाम है, ये हमने, आप डायरेक्ट लिख सकते थे ए माइनस 40, मतलब हमने ये बताया है ए माइनस 20 पहले को मिल चुका उसमें से 20 लेस करना है, तो क्या बन जाएगा ये? तो ए माइनस 40 पहले को मिल चुका है उसमें से 20 लेस करना है, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस 60। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन, टोटल जो अमाउंट है आपके पास, टोटल रुपीज हैं वो कितने हैं? 280 है। कितने रुपए को डिवाइड करना है? 280 को। तो कहने का मतलब फर्स्ट प्राइस प्लस सेकेंड प्राइस प्लस थर्ड प्राइस प्लस फोर्थ प्राइस इज इक्वल्स टू ₹280 मतलब ₹280। तो फर्स्ट प्राइस आप क्या मान रहे हो? ए। सेकंड प्राइस क्या आपका? ए माइनस 20। कितना है? ए माइनस 20। थर्ड प्राइस क्या आपका? ए माइनस का 40। फोर्थ प्राइस क्या आपका? ए माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 280। कितने हैं? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4A। कितने ए पास हो गए आपके पास? 4A। 20 प्लस 40 माइनस 60, माइनस 60 माइनस 60 माइनस का
120 इज इक्वल्स टू 280। तो 4a इज इक्वल्स टू 280, जब 120 उधर जाएगा तो प्लस का 120, तो क्या बन जाएगा, 4a इज इक्वल्स टू 400। 0 का 0, 8 प्लस 2 10, 0, 2 प्लस 1 3 और 1 कैरी 400। तो a इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड में 4, तो a इज इक्वल्स टू 100। मतलब फर्स्ट प्राइस आपका हो गया 100। सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, a माइनस 20 मतलब 100 माइनस 20 मतलब 80। और थर्ड प्राइस क्या होगा आपका, a माइनस 40 मतलब 100 माइनस 40 तो 60 रुपीज। और जो फोर्थ प्राइस होगा आपका क्या होगा, 100 माइनस 60 तो 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। ये आपके प्राइस होंगे कितने, 280 रुपए के। फिर एक बार क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि कोई अपने पास 280 रुपए की धनराशि है, उससे चार पुरस्कार वितरित करने हैं। क्वेश्चन सुनना, अपने पास कोई 280 रुपए की टोटल अमाउंट जो है, 280 रुपए की टोटल अमाउंट था वो कितने रुपए का था, 280 का था। उन 280 रुपए से चार पुरस्कार वितरित करने हैं, इस हिसाब से कि जो पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिल चुका है, उससे अगले व्यक्ति को जब पुरस्कार दिया जाएगा तो उसमें से 20 रुपए कम होगा। तो क्या अपन ने मान लिया, लेट द फर्स्ट प्राइस की जो अमाउंट है वो ए रुपीज है, कितनी है, ए रुपी मिल गया उसको। तो सेकंड को क्या मिल जाएगा, ए में से 20 कम कर दिया। थर्ड को क्या मिल जाएगा, ए माइनस 20 में से 20 कम कर दिया, तो ए माइनस 40। फोर्थ को क्या मिल जाएगा, ए माइनस 40 माइनस 20 ए माइनस 60। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने रुपए को डिवाइड करना है, 280 को डिवाइड करना है। फर्स्ट प्राइस प्लस सेकंड प्राइस प्लस थर्ड प्राइस प्लस फोर्थ प्राइस इज इक्वल्स टू 280। इनको सॉल्व किया तो आपने ये वैल्यू निकाल ली, फर्स्ट प्राइस जो मिलेगा वो 100 रुपीज़ का मिलेगा, सेकंड प्राइस जो मिलेगा वो 80 रुपीज़ का मिलेगा, थर्ड प्राइस मिलेगा वो 60 का मिलेगा, फोर्थ प्राइस मिलेगा वो 40 रुपीज़ का मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोडक्ट 600 सेट इन थर्ड ईयर। 600 है इन थर्ड ईयर का मतलब कोई कंपनी, टीवी निर्माता कंपनी है, वो तीसरी साल कितना टीवी उत्पादन करती है, थर्ड ईयर 600 टीवी बनाती है। कोई टीवी बनाने वाली कंपनी है, वो थर्ड ईयर में कितने सेटों का निर्माण करती है, कितनी टीवी बनाती है, 600 टीवी का निर्माण करती है। फिर क्या कहा उसने, एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर। मतलब सेवंथ ईयर का मतलब A7, इसको आप T3 भी बोल सकते हो, T3, T7 या A7 की वैल्यू कितनी है, 700। तब आपसे क्या पूछा गया है, सेवंथ ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली वाई ए फिक्स नंबर एवरी ईयर फाइंड। क्या बोल रहा है वो ये कह रहा है कि अगर ये मान लिया जाए, एज्यूमिंग मतलब ये मान लिया जाए कि जो कंपनी है वो टीवी का निर्माण प्रत्येक साल यूनिफॉर्म मतलब समान गति से समान सेटों का निर्माण करती है, तब अपने को क्या निकालना है, उन टीवी की संख्या निकालनी है। द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन ऑफ टेंथ ईयर, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट सेवंथ ईयर। तो आप सबसे पहले ए और डी निकालो। तो देखो यहाँ से जब T3 आपको दे रखा है, क्या सॉल्यूशन, T3 कितना दे रखा, 600। T3 को आप क्या लिखोगे, A+2D। क्या लिखोगे, A+2D इज इक्वल्स टू 600। समझ में आ गया, 2D समझ में आ गया होगा आपके, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या दे रखा आपको, T7 कितना दे रखा है, 700। तो T7 को आप क्या लिखोगे, T7 को आप लिखोगे A+6D इज इक्वल्स टू 700। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन समझ में आ गई। T3 को आप यही लिखते हो, A+2D इक्वल टू 600।
टी सेवन को आप क्या लिखोगे, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल्स टू 700। आप क्या लिखोगे, सॉल्व द या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण एक व दो को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। समीकरण एक क्या है आपकी, ए प्लस टू डी इक्वल टू 600, और समीकरण दो है आपकी, इक्वेशन टू है, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल्स टू 700। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस माइनस, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, माइनस का 6d प्लस का 2d क्या बचेगा, माइनस का 4d इज इक्वल्स टू माइनस का 700 प्लस का 600, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 100 बच जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू माइनस का 100 डिवाइड में माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 से जब आप इसको कट करोगे कितने टाइम कट होगा, 20 टाइम, कितने टाइम कट होगा, मतलब देखो 4 से 10 में जाएगा 2 टाइम 8, 8 माइनस करोगे तो 20, तो 4 5 जा 5 टाइम होगा, कितने टाइम होगा, 5 टाइम। तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, d की वैल्यू आ गई 25, कितनी आ गई 25। आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, रखो वैल्यू आप, तो a प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह क्या रखोगे 25 इज इक्वल्स टू 600, तो a प्लस का 25 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इज इक्वल्स टू 600, तो a इज इक्वल्स टू 600 माइनस 50, तो a इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा 550, a की वैल्यू कितनी हो गई 550, समझ में आ गया। तो उसने फर्स्ट आपसे आंसर क्या पूछा है, नंबर एक आप बुक में देखो अपने, नंबर एक उसने क्या कहा है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, क्या पूछा है आपसे, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर मतलब पहली साल, जिसको आप ए बोलते हो, तो पहली साल कितनी टीवी का सेट का निर्माण करती है, वो 550 सेट। सेकंड नंबर आपसे आंसर क्या पूछा अगले ने, सेकंड नंबर आपसे आंसर पूछा है आपने, द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, मतलब दसवीं साल, टेंथ ईयर्स, तो दसवीं साल का मतलब हो गया T10 या A10, तो T10 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 9D, क्या लिखोगे, A प्लस 9D, तो A की वैल्यू कितनी है 550, 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 25, डी की वैल्यू कितनी है 25, तो 550 प्लस 25 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 225, करके देख लो, 9 5 जा 45 का 54 कैरी, और 9 2 जा 18 और 4 22, हिंदी में बोल लो, 9 5 45 की 5 4, 9 2 18 और 4 22, इनको आप कर दो प्लस, तो 505 और 257 और 257, तो T10 मतलब दसवीं साल में कितने सेट बनाएगी वो टीवी निर्माता कंपनी, 775 सेट बनाएगी। थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया इसका, थर्ड पार्ट क्या पूछा गया देखो बुक में, थर्ड पार्ट पूछा गया, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, द टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट कितने ईयर पूछा है, इन फर्स्ट सेवन ईयर। अब यहाँ पे आप देखो बात समझना है इसकी, फर्स्ट 7 ईयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब प्रथम 7 साल में कितनी टीवी का निर्माण
करेगा तो आपको क्या लगाना है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। इसको सॉल्व करते हैं, ये देख लेना आप कहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इस जगह पे ऊपर। तो आपको क्या चाहिए, एस सेवन मतलब सात साल में कुल कितनी टीवी का निर्माण करेगा वो, एन अपॉन टू तो सेवन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए तो टू इंटू फाइव हंड्रेड फिफ्टी प्लस एन माइनस वन सेवन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपकी 25, डी की वैल्यू क्या है 25। तो एस सेवन इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू 550 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1100, कितना आएगा 1100। 2 का 0 से करोगे 2, 2 का 0 से किया 0, 2 का 5 से किया 10, 10 का 0, 2 का 5 से किया 10 और 1 कैरी 11 प्लस 6 इंटू 25, 6 इंटू 25। तो एस सेवन इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू 1100 प्लस 25 में आप 6 का गुणा करके बताओ तो कितना आएगा 0, 6 का 5 से करोगे तो कितना 30, 30 का 0 3, 12 और 3 15 मतलब 150। इनको प्लस कर लो तो एस सेवन इज इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू इंटू में जब आप ये प्लस करोगे 0 0 0 0 5 5 1 और 1 2 और 1, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6, 5 से करोगे तो कितने टाइम 2 टाइम तो 4 1 मतलब 625। तो एस सेवन इज इक्वल्स टू 7 इंटू 625, 625 में आपको कितने का गुणा करना है, 7 का गुणा करना है। आइए करते हैं इधर, 625 में कितने का गुणा करोगे 7 का, 7 पंचे 35, 35 की 5 3 कैरी, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 1 कैरी, 7 छंक 42 और 1 43 मतलब 4375, 4375 सेट्स बनाएगी। देखो इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिवाइज करवाते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कैलकुलेशन भी थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका, क्वेश्चन था एक कोई टीवी निर्माता कंपनी है, वो तीसरी साल 600 प्रोडक्ट बनाती है और सातवीं साल 700 प्रोडक्ट बनाती है। तो अपन इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, T3 इक्वल टू 600 मतलब जो टीवी निर्माता कंपनी है उत्पादन करता है उसको तीसरी साल 600 टीवी का निर्माण करती है। तो T3 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 2D पता है 600 समीकरण है। T7 सातवीं जो साल में कितने टीवी निर्माण करती है वो 700, तो T7 की वैल्यू है 700 जिसको आप ये लिखोगे। फिर आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को सॉल्व किया तो A की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को 25। ये D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने क्या कर दी, रख दी। तो क्या बन जाएगा, कैलकुलेशन एक ही है, 25 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 इक्वल टू 600, 50 आप करोगे ट्रांसफ़र तो A इक्वल टू 600 माइनस 50 तो क्या बच जाएगा 550। क्लियर। इसके बाद अपने से उसने क्या कहा है, तीन आंसर पूछे थे। नंबर एक क्या पूछा था, द प्रोडक्शन ऑफ इन फर्स्ट ईयर, कहने का मतलब जो टीवी निर्माता कंपनी है, जो टीवी निर्माता कंपनी है वो पहली साल कितनी टीवी बनाती है, तो आप बताओगे 550 सेट बनाती है मतलब 550 टीवी का निर्माण करती है। फिर उसने सेकेंड आंसर पूछा था अपने से, द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर, द प्रोडक्शन इन द टेंथ ईयर मतलब T10 दसवीं साल वो कितनी टीवी बनाती है, तो दसवीं साल को आप क्या लिख सकते हैं, A10 या T10 को, A प्लस 9D तो A की जगह 550 और D की जगह 25 तो 550 गुणा 9 गुणा 25 तो 550 प्लस 25 और 9 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 225, 550 में जब 225 प्लस करोगे तो कितना आएगा 775। कहने का मतलब दसवीं साल कितने टीवी बनाती है वो कंपनी, 775 टीवी बनाती है। थर्ड में क्या था, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट सेवंथ ईयर मतलब पहली साल से लेकर सातवीं साल तक में वो कुल कितनी टीवी बनाती है, द टोटल
इस पे दिमाग लगाना, क्योंकि यहाँ हमने एस एन वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ये एन वाले फॉर्मूले लगाए दोनों जगह, समझ रहे। अब आपको कन्फ्यूजन यही होगा कि यहाँ पे तो लगाया एन वाला और यहाँ पे लगाया एस एन वाला। रीजन यहाँ पे वो क्या कह रहा, द टोटल, यहाँ पे कह रहा था केवल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन द टोटल का मतलब हो गया कुल, द टोटल का मतलब क्या हो गया कुल, कुल प्रोडक्शन इन 7 साल, सेवंथ ईयर, मतलब 7 साल में कुल कितने, जहाँ कुल की बात आ जाए वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, संभाला, कौन सा लगेगा, संभाला। तो लगा दिया n अपॉन टू, n की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, d कैलकुलेशन की, जब आप 7 का 625 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4375, अर्थात 7 साल में कुल कितनी टीवी बनाता है वो, 4375। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर नंबर जो 5 था उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बची हुई है, अगले पार्ट में आपको करवाएंगे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियोज में या इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी समस्या का निदान करें। थैंक यू। 20 बनी हुई है।